ये अंडमान की शान हमारी पद्मश्री नारियल अम्मा के नाम से जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला है उनका हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है कैरोलिन मैम, अंजलिता मैम और साथ ही यहाँ पर आए हुए जितने भी डिग्निटरीज हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज अंडमान फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के नाम से अश्वर के माध्यम से कोई किताब भी एक लॉन्च हुई है जो पूरे पहली बार ऐसे अंडमान के इतिहास में हुआ है। क्योंकि हम यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुकरी शो और रेसिपीज के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन एक चैनल लॉन्च होगा और साथ ही साथ एक किताब लॉन्च होना ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और जैसा कि गीता भरत ने कहा कि जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी स्टेट में जाएं या किसी देश में जाएं, तो वहां की क्विज़ीन जरूर ट्राई करते हैं, वहां की क्या स्पेशलिटी है उसको जरूर टेस्ट करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है तो मैं खासकर यही जवाब देती हूँ कि देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक छोटा भारत है, मिनी इंडिया है, यहाँ हर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो हर तरह की रेसिपी हम मतलब खाने का इतना इस्तेमाल करते हैं और बनाते भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का फूड नहीं खाता है, हम अपने नाश्ते में अगर इडली डोसा खाते हैं तो दूसरे दिन आलू पराठा भी खाते हैं। इस तरह की अलग अलग चीजें हम अपने खाने में शामिल करते हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कोई अगर आगे से आकर पूछता है कि क्या यहाँ की स्पेशलिटी है तो हम बता नहीं पाते, इतना ही बोलकर रह जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ सी फूड का खजाना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुद्र के बीच में हम ये आइलैंड्स हैं, हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कभी ऐसी कोशिश नहीं की गई। लोग अपने घरों में बनाते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से उभार कर सामने लाना कि यहाँ में भी लोग अच्छी अच्छी रेसिपीज अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके, यहाँ के मसालों का इस्तेमाल करके, नारियल का इस्तेमाल करके कितनी अच्छी चीजें बनाई जा सकती है, ताकि देश के साथ साथ हम हमारे यहाँ जो टूरिस्ट भी आते हैं विदेशों से उनके सामने भी रख सके। और इस दिशा में अशोक की एक कोशिश, और अशोक को हमने हमेशा देखा है कुछ ना कुछ नया करते रहना, कोशिश करते रहना। तो वो कहते हैं कि कुछ हासिल करने की कोशिश की आपकी पहली जीत होती है, तो ये जीत उन्होंने हासिल कर ली है और ये उससे आगे जाने की दिशा में ये कदम अशोक का है। और हम सभी को मिलकर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये देखकर हमारी जो आगे आगे की जनरेशन है और बच्चे है वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी इस तरह के कदम आगे बढ़ाने की दिशा में सोचेंगे जरूर। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।